एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव च आपां पहला टेन सिक्स चैप्टर की सी एक्सरसाइज करांगे टेंजेंट एंड नॉर्मल टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। देखो नॉर्मल ते टेंजेंट होंगी कि देखो ये अपना कर्व है, ठीक है। थोनू पता है कि जे एक पॉइंट से टच करके लाइन टपती है वो थोड़ी की होंगी टेंजेंट, तो जी परपेंडिकुलर होंगी वो कहती की होंगी नॉर्मल, ठीक है। हूँ अपना टॉपिक की है, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या कि लाइन की ढलान, ठीक है। किंदे इक्वल होंगे डी वाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट किंदे इक्वल होंगी डी वाई डी एक्स। वाई अपने फंक्शन दिता भी होगा एक्स का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, तो इनकी स्लोप क्या है माइनस वन अपॉन डी वाई इंटू डी एक्स, क्योंकि अपने पता ना इनकी तो स्लोप की प्रोडक्ट की होगी माइनस वन, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स। देखो ये तो स्लोप है, जे थोनू कहते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, अपने एक पासिंग पॉइंट दिता हुआ होगा, ठीक है, एक्स वन से वाई वन। फॉर्मूला के लगाना है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला कहता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि इस लाइन की आ जाएगी अपने को इक्वेशन। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किंदे इक्वल होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो आप प्लस वन च रेट किया कि वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। आप इतने एम लगाने यानी कि स्लोप ऑफ लाइन, जो तुम टेंजेंट लिखोगे उदों तो इतने डी वाई डी एक्स लिख देना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले। तो जे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे तो स्लोप अपने पता ना माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स होंगे, तो माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स लिख देना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स इक्वल टू एटी स्क्वायर वाई इक्वल टू टू एटी एट टी इक्वल टू टू। एक्स कितना फंक्शन है टी का, वाई कितना फंक्शन है टी का, डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करो। देखो अगर प्रोडक्ट रूल लगाने फर्स्ट सेम सैकेंड का डायरेटिव टी स्केयर का टू टी प्लस टी स्केयर में सेम रख के ए का डायरेटिव की बन जूगा जीरो, यानी कि अपने को डायरेवेटिव की आ गया टू ए इंटू टी। डी वाई डी टी फाइंड करोगे टू ए नू फस्ट तो टी नू सैकेंड, टू ए सेम डेरीवेटिव ऑफ टी वन प्लस टी सेम टू ए का डायरेवेटिव की हो जूगा जीरो, यानी कि अपने को आ गया टू ए। देखो आप फाइंड करना होंगे डी वाई डी एक्स, क्योंकि अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट की होंगी है डी वाई डी एक्स। डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई डी टी किन्ना टू ए, डी एक्स अपॉन डी टी किन्ना टू ए बाई टू ए इंटू टी, टू ए कैंसल वन बाय टी। देखो टी की वैल्यू किन्नी है थोड़े पर टू, पुट कर दो आंसर किन्ना जो वन बाय टू। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू दिस हैज़ इट्स स्लोप टू बाई थ्री। देखो आप पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि एक्स से वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कहते टेंजेंट हैज़ इट्स स्लोप टू बाई थ्री, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किंदे इक्वल देता थानू टू बाई थ्री दे। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू बाई थ्री का मीनिंग की हो गया, थोनू गिवन है कि डी वाई डी एक्स किंदे इक्वल है टू बाई थ्री दे। देखो y इक्वल टू हैगा आप डेरीवेटिव कर दिए डी वाई टी एक्स। देखो पावर की है रूट वन बाय टू, डेरीवेटिव करोगे पावर अगे पीछे की हो जाएगी एक लैस, मल्टीप्लाई च फोर एक्स का डेरीवेटिव फोर, थ्री का डेरीवेटिव जीरो, तो वन का डेरीवेटिव जीरो, कैंसल आउट फोर एक्स माइनस थ्री पावर माइनस वन बाय टू इंटू टू। देखो पावर नैगेटिव की है डिवाइड से जाके की हो जाएगी पॉजिटिव, कि थोड़े को डी वाई डी एक्स की वैल्यू गिवन ही है कि टू बाय थ्री है। दिस वन कैंसल क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्केयरिंग बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री आ गया स्केयरिंग बोथ साइड। इधर स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल हो जाएगा, इधर थ्री दी स्केयर नाइन हो जाएगी।
माइनस आ थ्री इधर आके क्या हो जाएगा प्लस आ थ्री, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, फोर एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, इट मीनस एक्स इक्वल टू थ्री। देखो ये तो अपने को एक्स की वैल्यू आई है, वाई की वैल्यू फाइंड करने वास्ते तुम इस वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू थ्री, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, माइनस थ्री माइनस वन, रूट ऑफ नाइन माइनस वन, रूट ऑफ नाइन थ्री, थ्री माइनस वन टू, पॉइंट आ गया अपने थ्री पे टू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला की सी वाई माइनस वाई वन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो डेरीवेटिव कर दे डी वाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरीवेटिव थ्री एक्स स्क्र। देखो एक्स की वैल्यू आ, एक्स की वैल्यू होंगी है वाई की वैल्यू, एन पुट कर दो, अगर एक्स बचता है या वाई बचता है तो आप पॉइंट एन पुट करा करोगे। देखो थोड़े को डी वाई डी एक्स आ गया थ्री, आ एक्स वन हो गया, ए वाई वन हो गया। फॉर्मूला की सी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। क्योंकि देखो पॉइंट टच करूगा तो इनू की करूगा सैटिस्फाई करूगा, इनू भी सैटिस्फाई करूगा तो इनू भी। वाई माइनस वाई वन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस थ्री, माइनस द वन इधर आके कि जो प्लस द वन, वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, आंसर आ गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ ओ लाइन्स हैविंग स्लोप टू बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस, यानी कि आप इक्वेशन ऑफ फाइंड करनी है टेंजेंट की, ठीक है। देखो आप प्लस इधर आके क्या जुगा माइनस आ, तो उन्होंने स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट वास्ते की चाहिए डी वाई डी एक्स, यू अपॉन वी क्वेश्चन रूल लगा दोगे, डिवाइड वाले का स्क्वायर, डिवाइड वाले फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरीवेटिव माइनस टू का डायरेक्ट किया जुगा जीरो, फिर माइनस माइनस टू में सेम रख के नीचे वाले फंक्शन का डेरीवेटिव एक्स का वन थ्री का जीरो। देखो ये तो जीरो ही बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जूगा, टू अपॉन एक्स माइनस थ्री दी होल स्क्वायर। देखो स्लोप यानी कि डी वाई डी एक्स कहते इक्वल दिता हुआ तुम टू दे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स माइनस थ्री दी होल स्क्वायर इंटू टू इक्वल टू टू, टू टू कैंसल, देखो इक्वल टू वन है, वन वन की स्केयर लिख के स्केयर ना स्केयर जो कैंसल आउट करते हैं, एक बार आप प्लस लिखते हैं तो एक माइनस, एक बार प्लस रखो तो एक बार माइनस, माइनस आ थ्री इधर आके क्या जाएगा प्लस आ थ्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर, माइनस आ थ्री इधर आ गई प्लस आ थ्री, ठीक है। देखो इतने इन्होंने मैनशन किया ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ ओ लाइनस, ओ लाइनस का मतलब है कि जिन्हें भी पॉइंट आते हैं ना उन्होंने तुम्हें इक्वेशन फाइंड करनी है। हूँ अपने को एक्स दो वैल्यूज आ गई हैं, वाई इक्वल टू अपने को माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री है ना, मतलब वाई की वैल्यूज भी कि आएंगे दो, पहले तो पुट करो एक्स की वैल्यू फोर, फोर पुट करेंगे, फोर माइनस थ्री माइनस टू बाय वन माइनस टू, फिर तुम एक्स की वैल्यू पुट करो टू माइनस टू, टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक है। देखो हूँ दो पॉइंट है ना एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इन्होंने दोनों के पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी सी, स्लोप इन्होंने दिता ही है डी वाई डी एक्स यानी कि टू, पॉइंट आप फाइंड कर ले अपना फॉर्मूला की सी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन किन्ने माइनस टू, माइनस माइनस के जो प्लस, डी वाई डी एक्स किन्ने टू, एक्स माइनस एक्स वन किन्ने फोर, मल्टीप्लाई कर दो टू एक्स माइनस एट। देखो प्लस आ टू इधर आके क्या जुगा माइनस आ टू, टू एक्स माइनस एट माइनस टू, टू एक्स माइनस टेन। सिमिलरली ये एक्स वन वाई वन हो गया, वाई माइनस वाई वन डी वाई डी एक्स टू गिवन ही है एक्स माइनस एक्स वन, माइनस आ टू इधर आके क्या जुगा प्लस आ टू, देखो इन्होंने क्या सी ना ओल्ड टेंजेंट्स दो टेंजेंट्स आ गया अपने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर, एक्स इक्वल टू दिस वाई इक्वल टू दिस। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म दिती हुई है डी एक्स कौन डी थीटा फाइंड करो, एक्स कितना फंक्शन है थीटे का। देखो पहला आप डेरीवेटिव कितना करते हैं पावर का, पावर के पीछे एक लैस, फिर तुम साइन का डेरीवेटिव तो करोगे ना कोस थीटा। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी थीटा,
थ्री अगे आ जाएगा मल्टीप्लाई पावर एक लैस हो जाएगी, फिर कोज का डेरेवेटिव माइनस साइन थीटा। देखो अपने स्लोप फाइंड करने वास्ते डी वाई डी एक्स चाहिए, डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। देखो डी वाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स अपॉन डी थीटा वैल्यू पुट करो, उपर जी फाइंड की है थ्री ए कैंसल, कोस एक कैंसल हो जाएगा, एक साइन कैंसल हो जाएगा, ठीक है। माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस बाय साइन की हो जाएगा को थीटा। देखो थीटे की वैल्यू गिवन है, अपने पाई बाय फोर पुट कर दो, कोट पाई बाय फोर वन होंगे, अपने को वैल्यू कि नहीं आ गई माइनस वन। देखो एक्स भी तो गिवन ही है, एक्स थीटा च गिवन है, तो अपने को थीटे की वैल्यू पाई बाय फोर पुट कर दो, वो एक्स वन तो वाई वन दे दूगा, ठीक है। ए साइन क्यूब पाई बाय फोर, देखो तुम्हें पता है साइन 45 कि होंगे, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू की क्यूब कि होंगी है रूट टू, रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू टू। सिमिलरली वाई डिफाइंड कर लोगे, ए कोस क्यूब थीटा पाई बाय फोर, तुम्हें पता है कोस से साइन सेम होंगे है 45 से, वन बाय रूट टू की क्यूब सेम ही आ जाऊगा टू रूट टू। एक्स वन भी आ गया, वाई वन भी आ गया, डी वाई डी एक्स भी आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अपने को। देखो स्लोप माइनस वन तो पॉइंट अपने की आए है ए बाय टू रूट टू, ए बाय टू रूट टू। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है, वाई माइनस वाई वन, वाई वन किन अपना ए बाय टू रूट टू, डी वाई डी एक्स अपना की है स्लोप ही है ना माइनस वन, एक्स माइनस एक्स वन। माइनस एक्स प्लस ए बाय टू रूट टू, माइनस एक्स इधर आके की जो प्लस था, आ माइनस इधर आके की हो जाएगा प्लस था। ठीक है दिस वन कैंसल, बस अपने को स्लोप सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। सिमिलरली नॉर्मल डिफाइन कर दो, माइनस वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू ए बाय टू रूट टू, डी वाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वन, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू ए बाय टू रूट टू। माइनस माइनस कैंसल हो चुका, ए बाय टू रूट टू इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय टू रूट टू। देखो आ नेगेटिव इधर आके की जो पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स इधर आके की जगह नेगेटिव, दिस वन कैंसल आंसर। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा, वाई इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। देखो एक्स इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो, कोस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस के जगह प्लस। देखो वाई इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, थीटे का डेरिवेटिव वन, साइन थीटा डेरिवेटिव कोस थीटा। तुसी फाइंड की करना डी वाई डी एक्स, डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई डी थीटा की है वन माइनस कोस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की है साइन थीटा। देखो आप फॉर्मूला अप्लाई करके ना इन ईजी बना लेना, वन माइनस कोस थीटा फॉर्मूला कहते टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, साइन थीटा का फॉर्मूला कहते टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू, दिस वन कैंसल, साइन बाय कोस की बन जाएगा टैन थीटा बाय टू। देखो एक्स के इक्वल सी वन माइनस कोस थीटा, दे थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर है पुट कर दिए, तो अपने को एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस कोस पाई बाय फोर, वन माइनस वन बाय रूट टू। सिमिलरली वाई वन फाइंड कर लोगे, थीटा वैल्यू पाई बाय फोर माइनस साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर अपने पता है कि होंगे वन बाय रूट टू, ठीक है। डी वाई डी एक्स भी है अपने पास, टैन थीटा, थीटा वैल्यू पाई बाय फोर पुट करोगे टू डिवाइड चाहिए पाई बाय फोर बन जाएगी। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला की सी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो एक्स वन भी है गया, वाई वन भी है गया, डी वाई डी एक्स भी है गया, पुट कर दो वाई माइनस वाई वन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। माइनस अंदर चला जाऊगा, साइन चेंज हो जाएंगे, टेन पाई बाय फोर सॉरी पाई बाय एट साइन चेंज हो जाएंगे बस, ठीक है।
देखो इतने भी सिमिलरली वाई वन की डी वाई डी एक्स की एक्स वन की वैल्यू पुट कर दो। वाई वन की वैल्यू अपनी की आई सी पाई बाय फोर माइनस वन बाय रूट टू माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स की वैल्यू अपने पता ही है टेन पाई बाय एट। एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कि आई सी वन माइनस वन बाय रूट टू। देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे वन बाय टेन कोट लिख लोगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स देता। ठीक है एक्स की वैल्यू पाई बाय टू पहले डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे डी वाई डी एक्स डायरेक्ट क्यू होगा टू सॉरी साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट क्यू होगा टू साइन एक्स साइन एक्स का कोस एक्स। देखो एक्स की वैल्यू कितनी गिवन अपने को पाई बाय टू पुट कर देने साइन पाई बाय टू कोस पाई बाय टू साइन 91 कोस 90 जीरो डी वाई डी एक्स की आ गया अपने को जीरो। देखो अपने को एक्स की वैल्यू तो हैगी इन पुट कर दूंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यानी कि एक्स वन बन जूगा तो यह वाई वन साइन 91 सपोज कर लो इन ए एक्स वन बन जूगा तो यह वाई वन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला की सी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन किन्ने वन डी वाई डी एक्स की है जीरो एक्स माइनस एक्स वन किन्ने पाई बाय टू। देखो जीरो इंटू समथिंग जीरो वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू वन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो y वन की वैल्यू वन है डी वाई डी एक्स की आया जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन किन्ने पाई बाय टू। देखो वन बाय जीरो इन्फिनिट ना बना दियो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दियो जीरो इंटू समथिंग जीरो माइनस खत्म हो जूगा एक्स माइनस पाई बाय टू इक्वल टू जीरो इट मीन्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब ये अपना एक्स वन वाई वन हो जाता है। ठीक है ना तो ये पॉइंट हमेशा कर्व नूं सैटिस्फाई करते होंगे हैं। देखो डिफरेंशिएट करोगे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स फाइंड करना है टू ए वाई मल्टीप्लाई चाहिए इधर आगे के जुड़े डिवाइड। मैं थोड़ा की क्या सी एक्स वन से वाई वन इस कर्व नूं की करते होंगे सैटिस्फाई करते होंगे डेरीवेटिव तो पुट कर दो ए एम स्क्वेयर होल स्क्वेयर टू ए वाई की वैल्यू कितनी बन गई ए एम क्यूब थ्री ए स्क्वेयर एम फोर टू ए स्क्वेयर एम क्यूब ए स्क्वेयर कैंसल हो जू कि आ जूगा थ्री एम बाय टू। देखो ये अपना डेरिवेटिव बन गया डी वाई डी एक्स। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला सॉरी नॉर्मल का फॉर्मूला की सी वाई माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन की वैल्यू वाई वन की वैल्यू पुट कर दो डी वाई डी एक्स की है थ्री एम बाय टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन रेसिप्रोकल होके किया जाएगा माइनस टू बाई थ्री एम। देखो थ्री एम डिवाइड चाहिए चाहे इधर ला जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो थ्री एम वाई माइनस थ्री ए एम फोर माइनस टू एक्स इंटू माइनस माइनस प्लस टू ए एम स्क्वायर एक साइड ला जाइए आंसर आ जाएगा। ठीक है माइनस टू एक्स इधर आके प्लस आ जाएगा प्लस इधर आके